नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस एम अलग अलग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड मैं हूँ राजेश्वर मेहता था शालू और मानवीर। फ्रेंड्स आज हम आए हुए हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है जिसका नाम है सरस फूड फेस्टिवल 2023। फ्रेंड यहाँ पे भिन्न भिन्न राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं जिसके अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आपको फूड देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ से खा भी सकते हैं और ख़रीद के ले के जा भी सकते हैं। फ्रेंड पैकिंग की सुविधा भी यहाँ पर है। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ पे फूड मेला जो है एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड करते हैं हम अपने ब्लॉग को शुरू। यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये है इन फ्रंट ऑफ सरस गैलरी, यानी कि सरस गैलरी के ये सामने है हैंडी क्राफ्ट भवन और बाबा खड़क सिंह मार्ग न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस। फ्रेंड ये है और फ्रेंड्स यहाँ की जो इसकी लोकेशन आपको बता दी, ये है इसकी टाइमिंग। फ्रेंड्स की टाइमिंग है सुबह के 11 बजे से रात के 10 बजे तक ये जो फूड स्टॉल यहाँ पर ओपन रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स आप सामने देखेंगे तो उधर बना हुआ वो हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर है। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो फ्रेंड यहाँ का न्यू रेट मेट्रो स्टेशन जो है राजी चौक का रहने वाला है। राजी चौक से जैसे ही फ्रेंड्स आप उतरेंगे और वहाँ से फ्रेंड्स ये 300 या 400 मीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस भी है, पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड करते हैं अपने ब्लॉग को शुरू और चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स ये यहाँ का एंट्री गेट सरस फूड फेस्टिवल 2023। फ्रेंड्स आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स यहाँ की कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, अंदर आने की आप यहाँ पर फ्री में आ सकते हैं। फ्रेंड्स ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट सरस फूड फेस्टिवल 2023। यहाँ से फ्रेंड्स आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ का फूड जो अगर आप लेते हैं तो आपको एक ऐसा स्कैनर दिया जाएगा, इसको आप जो है भरवा भी सकते हैं पैसों से मतलब, और जो आपका रिफंड बचेगा वो आपको बैक भी हो जाएगा। फ्रेंड्स जिस भी स्टॉल का आप लेंगे तो आपको एक ऐसा मिलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश पेमेंट भी आप कर सकते हैं और ये आपको स्कैनर दिया जाएगा, उसके बाद ही आप अपना फूड का पेमेंट करके फूड एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे सामने सबसे पहला जो 31 नंबर का स्टॉल लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या क्या फूड यहाँ पर रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काठी रोल और जो मिर्च के यहाँ पे पकोड़े हैं और गोलगप्पे पापड़ी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला स्टॉल है जम्मू एंड कश्मीर का, यह है 17 नंबर स्टॉल। और फ्रेंड्स ये इसके फूड यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी लिस्ट यहाँ पर है सारी। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टॉल पे। यहाँ पे क्या क्या मिलने वाले भैया आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सर कश्मीरी कहवा है, ये कश्मीरी कहवा है, और ये और कश्मीरी रोगन जोश, ये कश्मीरी रोगन जोश है, और ये कश्मीरी स्टाइल चिकन करी, ये कश्मीरी चिकन करी विद राइस, ये कश्मीरी पालक नदरू, और ये पालक नदरू विद राइस। फ्रेंड्स ये यहाँ से आप अपना ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। फ्रेंड्स ये नॉन वेज की आइटम है यहाँ ज़्यादा, फिश है, ये कश्मीरी फिश है, और एक कश्मीरी वाजवा पुलाव, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ये अपना लेने वाले हैं नदरू। फ्रेंड्स अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने कूपन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप सामने देख सकते हैं बैठे हुए। फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर स्कैनर लिया पे करने के लिए, महाराष्ट्र का जो है कुछ फूड लिया हमने, तो ये आपको इस तरीके का कुछ मिलेगा। फ्रेंड्स वो है महाराष्ट्र की स्टॉल और ये वहाँ से हम लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा जो हमें वो मिला है स्कैनर, ये उसको स्कैन करके पेमेंट अपनी ले रहे हैं यहाँ से। हमने ये खाने के लिए यहाँ से अपनी प्लेट ली है, इसको क्या बोलते हैं, इसको झुलका वाकर। ये फ्रेंड्स ये लिया हमने खाने के लिए, हम खाते हैं एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का हमने कुछ फूड लिया जिसे कहते हैं झुलका वाकर, ये इसकी प्लेट है। फ्रेंड्स ये शालू खा रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर आइए और एंजॉय करिए यहाँ पे भिन्न भिन्न राज्यों का फूड। फ्रेंड्स यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा राज्यों के स्टॉल लगे हुए फूड के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आप अपने एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स ये है वेस्ट बंगाल का स्टॉल नंबर 16। वेस्ट बंगाल की फ्रेंड्स ये फूड लिस्ट यहाँ लिखी हुई है, प्राइस भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो आप लेना चाहते हैं। फ्रेंड यहाँ पढ़ सकते हैं और
वेस्ट बंगाल का जो सामान है फूड वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है सारा। यहाँ पर ये कुछ हमें वेज भी दिख रहा है और नॉन वेज भी दिख रहा है, जैसे फ्रेंड यहाँ फिश लगी हुई है और ये मटन है यहाँ पे लगा हुआ। तो आप फ्रेंड्स अपनी जो मनपसंद चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। फ्रेंड्स ये है हमारा पंजाब का 9 नंबर का स्टॉल और यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला पंजाब में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये इसके प्राइस लिखे हुए हैं, पानी पूरी है, बल्ले पापड़ी है, आपके सबके रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ क्या क्या मिलने वाला है पंजाब का। तो फ्रेंड मेरा फेवरेट है यहाँ पे पंजाब का फूड, यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलने वाला पंजाब में। मैम ये क्या क्या चीज़ें बताएंगे? ये सरसों का साग और मक्के की रोटी का है। सरसों का साग मक्के की रोटी, छोले भटूरे, ये दाल मखनी है और ये शाही पनीर भी है नहीं यहाँ पे। आलू पराठे, ठीक है, ये पंजाब की सारी चाट है। ठीक है फ्रेंड्स ये पंजाब की सारी चाट है, आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं अपना। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे केरला का और 7 नंबर फूड स्टॉल, इसके ये आप प्राइस यहाँ देख सकते हैं मेन्यू। और यहाँ क्या क्या मिलने वाला फ्रेंड देखते हैं। यहाँ ज़्यादातर हमें मिलेगी फ्रूट चाट और फ्रूट की चाट है और जूस है। तो अगर आपको चाट यहाँ लेनी है, फ्रूट का जूस लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है फ्रेंड्स केरला का 1 नंबर का फूड स्टॉल और ये यहाँ पर ये मेन्यू है फ्रेंड्स इसका। यहाँ पर आपको चिकन करी, इलाची पातरी, चिकन रोल और फिश कटलेट, फिश बिरयानी, ये सब आपको फ्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और आप अपना यहाँ से मनपसंद फूड कोई भी ले सकते हैं। ये प्रॉन्स है फ्रेंड्स, ये प्रॉन्स आप देख सकते हैं, ये फिश कटलेट है, ये भी फिश कटलेट है, वो आपको मैदे की जो नान होती है ना फ्रेंड्स, ये उस टाइप की कुछ है आपके यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो फिश कटलेट अपनी ट्राई करने वाला हूँ और साथ में प्रॉन्स भी अपने लेने वाला हूँ। आप भी यहाँ पर आइए और अपना फूड एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स मैंने ली है यहाँ के केरला के स्टॉल से फिश कटलेट, ये है मेरी फिश कटलेट। और मेरे को एक कटलेट फ्रेंड्स यहाँ पे जो 50 रुपये की पड़ी है, मैं यहाँ खा के देखता हूँ ये कैसी है। ये बनी है फ्रेंड्स फिश की, मैंने ज़्यादा कभी फिश खाई नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। अच्छी है, टेस्टी है, खाना है फ्रेंड्स। मानवीर को भी खानी है फिश। फ्रेंड्स फेस्टिवल लगा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बेकार खाना मिला है, खाना टेस्टी है काफ़ी। हमने 5-6 स्टॉलों का जो है हर चीज़ यहाँ पे ट्राई की है, थोड़ी थोड़ी फूड यहाँ पे काफ़ी टेस्टी और अच्छा बना हुआ। फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और यहाँ के फूड ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। फ्रेंड्स ये 17 दिसंबर तक लगा हुआ है तो 17 तारीख तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। फ्रेंड रात के 10 बजे तक आइए, सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है ये फेस्टिवल। यहाँ का जो लगा हुआ फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, पानी के जो क्या बोलते हैं डिस्पेंसर, यहाँ से आप पानी ले सकते हैं, अपना फूड यहाँ एंजॉय करेंगे और पानी यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश 6 नंबर स्टॉल और यहाँ पर आपको नॉन वेज ज़्यादातर खाने के लिए दिखेगा। और ये यहाँ पे जो उसके देख सकते हैं आप, ये मेन्यू है, यहाँ बारबेक्यू चिकन है, चिकन मील्स है और पटोरू कुल्लू ये नाम है और कैबा बिरयानी, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको ये पैम्पलेट, यहाँ पे फिश मिलेगी ज़्यादातर, ये हर तरह की आपको यहाँ मछली देखने के लिए मिलेगी। ये क्रैप है, केकड़ा, ये फिश है और ये पैम्पलेट फिश है यहाँ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो हम ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे काउंटर के जो यहाँ पर जो चला रहे हैं उनसे, आप आएँ तो अपना फूड यहाँ पर खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सिक्किम के
स्टॉल पर, ये है 24 नंबर स्टॉल, ये है यहाँ का मेन्यू लिस्ट जो प्राइस यहाँ लिखे हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है यहाँ का सिक्किम का फूड। मैम ये क्या क्या चीज़ आप बता सकते हैं? ये फ्रेंड्स है मिलेट का चिकन मोमोज, ये क्या आटे का चिकन मोमोज है, ये भी आटे का चिकन, ये काफ़ी हेल्दी रहने वाला फ्रेंड्स, जो मैदे के जो मोमोज होते हैं उससे अच्छा है। और ये क्या चीज़ है? और ये दम आलू है, ये मिलेट का वेज मोमोज है। फ्रेंड्स यहाँ से आप हेल्दी फूड भी काफ़ी दे रहे हैं, यहाँ से अपना ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स आटे के बने हुए मोमोज। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ यहाँ पे हेल्दी रहने वाली है और हर राज्य अपने आप को यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा रहा है अपने फूड को। फ्रेंड्स सामने देख सकते हैं ये है गुजरात का स्टॉल 27 नंबर, और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फाफड़ा, जलेबी, कमन, ढोकला और गुजराती थाली, फ्रेंड्स ये सारे मिलने वाले हैं। इसके पानी की बोतल के 10 रुपये ये रेट लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं भैया ये क्या चीज़ है? ये पात्रा है, ये पात्रा है, ये खमन, और ये क्या बोलते हैं सर? गोटा है, गोटा गोटा अच्छा। और ये फाफड़ा है, फाफड़ा और ये जलेबी अच्छा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से गुजराती फूड अपना जो टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा मीठा स्वाद भी है फ्रेंड्स यहाँ पे अपना ले सकते हैं। ये है फ्रेंड्स राजस्थान का 28 स्टॉल नंबर, और राजस्थान के यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे, वीडियो रोक के फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं। सब 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये तक की आइटम मिलने वाली है। और यहाँ क्या क्या रहने वाला है यहाँ से हम पूछते हैं भैया, ये क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं आप एक बार? ये मूंग दाल का हलवा है, ये बाटी, ये घेवर, और ये मावा कचौरी, ये मूंग दाल कचौरी और ये घेवर, और फ्रेंड्स ये जलेबी है। फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी फूड यहाँ का लग रहा है देखने में, आप आइए और डेफिनेटली यहाँ पे एंजॉय कीजिए। ये है फ्रेंड्स सामने 29 झारखंड का स्टॉल, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या हमें मिलने वाला है यहाँ पर, इसकी लिस्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लगाई हुई झारखंड की। यहाँ फ्रेंड हमें रागी पेठा और दूबू पेठा और लिमचा डुस्का, फ्रेंड्स ये लिखे हुए हैं यहाँ पे रेट सारे, आपको जो अच्छा लगे आप वीडियो रोक के देख के ले भी सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है। मैम ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आप बताएंगे एक बार? डुस्का है, ये डुस्का है, समोसा, ये समोसा, आलू पकौड़ी और वो बालू शाही फ्रेंड्स, और ये क्या बोलते हैं मैम, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये रागी पेठा है फ्रेंड्स, ये रागी पेठा मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे, मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है मिजोरम का 23 का स्टॉल, और ये इसका यहाँ पर बना हुआ है प्राइस लिस्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्राइड जो न्यूडल्स हैं, फ्राइड राइस हैं, और ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारी आपको प्रिपरेशन करते हुए ये दिख जाएंगे यहाँ पे। यहाँ ज़्यादातर आपको फ्रेंड्स जो फास्ट फूड हम चाउमीन वगैरह जो खाते हैं, फ्राइड राइस वगैरह, वो मिलेगा आपको। हैंड वॉश करने के लिए जो है बीच बीच में जो है वॉश बेसिन भी लगे हुए हैं, आप यहाँ से अपने हैंड वॉश भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है फेस्टिवल पूरा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये हमारा जो मानवीर है ये हमें खरीदारी नहीं करने दे रहा, कुछ भी ना खाने दे रहा, कि इसको यहाँ पे खेल की लगी हुई है हर टाइम, मतलब खेलना खेलना खेलना, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हम इसके चक्कर में। फ्रेंड्स यहाँ पे पेड़ों को भी डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये सामने कितनी सुंदर ये गैलरीज बनाई गई हैं, यहाँ से अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैट है, रग्स है, कुर्तियाँ हैं, आपको वो सब यहाँ पर मिलने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक स्टॉल मार्केट भी छोटी सी बनाई गई है, और ये सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है क्या बोलते हैं इनको, लकड़ी के खिलौने। फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने लकड़ी के खिलौने खरीद सकते हैं, सुंदर सुंदर लगे हुए हैं यहाँ।
बड़ा वाला एबीसीडी नहीं है, मतलब मुझे छोटा वाला एबीसीडी फ्रेंड्स हमने सामने से जो उधर टॉय लगे हुए थे हमने ये खरीदे हैं टॉय। फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक मार्केट भी बनाई गया, आप यहाँ से मार्केट में सामान इजीली आप अपना ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्कैनर आपको दिया जाएगा उसके अंदर आप पैसे ऐड करवा सकते हैं और जो आपके बच जाएँ तो आप रिफंड भी यहाँ से अपना ले सकते हैं। ये है यहाँ का रिफंड काउंटर। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना फूड खाने के साथ साथ फ्रेंड अपना फूड जो है अपना पैक भी करवा सकते हैं। 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पैकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स अपना पैकिंग भी आप कराइए और घर पे भी आप अपना यहाँ का फूड एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बनी हुई है यहाँ पे एक जो वॉल बनी हुई है, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, यहाँ स्टिक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ का फूड कितना एंजॉय करने के लिए मिला। ये फ्रेंड्स ये है वॉल यहाँ की। फ्रेंड्स यहाँ पे पानी की जो पीने की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है हर स्टॉल के आगे, और ये सिटिंग एरिया भी बनाए हुए हैं, यहाँ से आप अपना बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं, फूड बैठ के आराम से तसल्ली से आप खा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये यहाँ की एनवायरनमेंट ऐसा, ये बिल्डिंग के सामने ये बना हुआ पूरा फेस्टिवल जो चल रहा है। फ्रेंड्स ये सामने आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड का स्टॉल बना हुआ है 8 नंबर का, और उसके जो प्राइस लिस्ट है मेन्यू आप सामने वो देख सकते हैं ये बने हुए हैं। इसके अंदर आपको जो है स्प्रिंग पोटैटो मिलेंगे, फ्रूट आइसक्रीम मिलेगी जो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो लगी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा खाने के लिए। ये है फ्रेंड्स यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम का रोलर, इसके ऊपर सारे फ्रूट्स हैं वो किए जाते हैं मैश करके और उसमें से फिर फुरज के आपको आइसक्रीम देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टेबल भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के आप अपना फूड एंजॉय भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर। ये फ्रेंड्स मानवीर यहाँ के पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है जो मैंने अभी सामने यहाँ से लिए हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो काउंटर पे बिक रहे थे यहाँ से लिए हमने 20 रुपीज़ के, और ये अपने पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है। फ्रेंड्स मानवीर तो यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहा है, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट, आप देख सकते हैं ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, और सामने मानवीर ये घूम रहा है और वो शालू बैठी हुई है झारखंड के स्टॉल के आगे। फ्रेंड खा खा के हमारा तो पेट मतलब फुल हो गया, लेकिन खाना यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा बिल्कुल भी। फ्रेंड्स आज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम जो हर स्टॉल जा कर के पूरा विज़िट नहीं करवा सकते आपको वीडियो में। कश्मीरी हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगी हुई है, आप आएँ तो यहाँ से अपने शॉल स्टॉल स्वेटर गर्म कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे राजू के स्टॉल लगे हुए थे, मैंने कोशिश की है फ्रेंड के मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्या क्या फूड है। आज फ्रेंड्स बुधवार का दिन है तो मैं यहाँ ब्लॉग बनाने आया था, और फ्रेंड्स यहाँ पे आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे दोपहर हो रही है तो भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मैं जिसके कारण आपको मतलब पूरे फूड नहीं दिखा पाए, खाली बार बार से आपको स्टॉल दिखा दिए, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर आएँ और अब फूड यहाँ का एंजॉय करें। फ्रेंड्स 17 दिसंबर तक ये लगा हुआ है, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक ये जो फूड स्टॉल्स यहाँ पे चलती हैं। फ्रेंड रियली यहाँ पर जो फूड जितने भी थे सारे ही टेस्टी थे, मैंने कई स्टॉल के यहाँ पर फूड खाए हैं, तो फ्रेंड यहाँ का एम्बिशन भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। तो फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर ख़त्म, तो आपसे मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।